एवरीवन, आप सभी का IBTS में मैं स्वागत करती हूँ। तो HP सेट अनाउंस हो चुका है स्टूडेंट, तो तैयारी करने के लिए जुड़ जाइए। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे HP सेट। आपको पता है दो पेपर होता है, एक पेपर वन होता है और एक पेपर टू होता है, राइट? ये होते हैं। पेपर वन जो स्टूडेंट होता है वो जनरल होता है, और उसमें जो जो सिलेबस है वो आज की क्लास में मैं डिस्कस करूँगी। और जो पेपर टू होता है वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होता है, जिसे आपने मास्टर इकोनॉमी से किया है तो इकोनॉमी होगा, पॉलिटिकल साइंस किया है तो पॉलिटिकल साइंस होगा, मतलब वो मास्टर स्पेसिफिक आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो पेपर वन में पता नहीं चलता है कि क्या क्या पढ़े, राइट? क्या है, कैसे है, सब कुछ मैं डिस्कस करूँगी। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना है आपने। सबसे पहले यूनिट जो है आपने स्टूडेंट पढ़ना है, और मैं यहाँ पर ये भी बता सकती हूँ, आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो आप UGC नेट की तैयारी करते हैं, राइट, UGC नेट की तैयारी करते हैं उसका ही सिलेबस रहता है। तो अगर किसी ने UGC नेट की तैयारी करी है तो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट न्यू है, उनको पता नहीं है, और HP सेट और UGC नेट में भी क्या फ़र्क होता है सिलेबस में, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो फर्स्ट यूनिट जो होती है स्टूडेंट, वो टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट होता है। आपने बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड में देखना है कि बीइंग अ प्रोफेसर और बीइंग अ टीचर में आपने क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी थ्योरी हैं वो आप पढ़ेंगे, और जब क्वेश्चंस करेंगे तो ऑलवेज याद रखिएगा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है, टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देना है। ये मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, ओके? तो यहाँ पर देखिए, टीचिंग क्या है, कैसे होना चाहिए, उसका कंसेप्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, वे एकदम से बड़े तो नहीं हो जाते, तो छोटा बच्चा होता है उसके लिए टीचर का कैसा स्कोप होना चाहिए, उससे बड़ा होता है उसको क्या क्या स्कोप होना चाहिए, और सबसे जो हायर एजुकेशन होता है उसके लिए टीचर का क्या स्कोप होना चाहिए, जिसको मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल से बोला गया है। करैक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, ये सब, राइट, ये होता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी क्या आपने स्कोप रखना है क्वेश्चन करते समय, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, फिर यही स्टूडेंट का सवाल होता है, मैम सब जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, पहले आपने थ्योरी पढ़ना, उसके बाद प्रैक्टिस चाहिए, और उसके बाद स्मार्टली कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लर्नर करैक्टरिस्टिक्स, लर्नर यहाँ पे स्टूडेंट को बोला गया है, कहीं आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर करैक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, अगर छोटा बच्चा है उसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है, और टीचर को वैसे कैसे पढ़ाना चाहिए, राइट? हमें लर्नर के बारे में, स्टूडेंट के बारे में बींग अ टीचर पता होना चाहिए, ओके। अडल्ट क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, अब सब स्टूडेंट का माइंड एक जैसे तो नहीं होता है, सबका स्टूडेंट का माइंड डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। फिर फैक्टर इफेक्टिव, क्या क्या फैक्टर्स है जिसको टीचिंग को इफेक्ट करता है, जैसे लर्नर, लर्निंग सपोर्ट मटेरियल जिसको टीचिंग एड्स के नाम से भी जानते हैं, इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज क्या क्या हेल्प करेंगी टीचर और स्टूडेंट को पढ़ने में, एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं अच्छा एनवायरनमेंट होता है तो स्टूडेंट की या बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, अगर एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं होता है तो ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। फिर मेथड ऑफ टीचिंग कैसा होना चाहिए, कब कैसे टीचिंग को, टीचर को कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए, अब वो टॉपिक टू टॉपिक डिसाइड होगा। मान लो साइंस है तो प्रैक्टिकली ज़्यादा होगी, राइट? अगर ह्यूमैनिटीज़ है तो ह्यूमैनिटीज़ में रियल लाइफ को एग्जाम्पल से समझाया जाएगा। तो बीइंग अ टीचर को कौन कौन से टीचिंग मेथड अपनाना चाहिए, जिसको टीचर सेंटर, मतलब कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टीचर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, लर्नर सेंटर ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर लर्नर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग सारे बहुत सारे आपके मेथड होते हैं। ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। अब ऑनलाइन जो है आपको पता है, जिसमें स्वयं प्रभा और मूक बहुत ज़्यादा फेमस है स्टूडेंट, ओके, ये है।
फिर टीचिंग सपोर्ट मटेरियल्स, कौन कौन से सपोर्ट मटेरियल्स होने चाहिए ताकि टीचिंग और एनहांस हो सके, तो ट्रेडिशनल होता है, मॉडर्न होता है, आईसीटी बेस, आप देखते ही, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, अब यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड आ चुका है। यस, इवेल्युएशन वेरी इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अच्छा है। इवेल्युएशन सिस्टम जो होता है, स्टूडेंट इवेल्युएशन कैसा इवेल्युएशन होना चाहिए, फॉर्मेटिव होना चाहिए, समेटिव होना चाहिए, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होता है, बहुत सारे मेथड आप देखेंगे, राइट, असेसमेंट होता है, इवेल्युएशंस होते हैं, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, ओके okay? फिर सेकेंड यूनिट ये हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड का, आपका मतलब बीइंग अ टीचर आपका क्या एप्टीट्यूड, क्या बिहेवियर होना चाहिए। फिर आता है टीचर रिसर्च एप्टीट्यूड, अब ये क्यों है, पहले तो यही हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, जब क्वालिफाई करते हैं तो कोई प्रोफेसर बन जाता है और किसी को पीएचडी करनी होती है, तो यहाँ पर बेसिक पढ़ाया जाएगा, राइट, रिसर्च के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाएगी। तो रिसर्च देखिए, रिसर्च का मतलब क्या है, टाइप क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, और यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च, रिसर्च होता क्या है, राइट, यही पूछ लेते हैं, क्या सॉल्यूशन मिलता है रिसर्च में या नहीं मिलता है, तो आप लोग सवाल जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्या रिसर्च में सॉल्यूशन मिलता है या प्रॉब्लम ही मिलती है, देखिएगा आंसर दीजिएगा, हम आपको अपने कोर्स में पढ़ाएंगे। मेथड ऑफ रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट, इतने मतलब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ 30 से ज़्यादा मेथड हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव जो मेथड्स होते हैं वो, स्टेप ऑफ रिसर्च किस वे से होना चाहिए, है ना, एक स्टार्ट करते हैं रिसर्च तो ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होता है और कंक्लूजन तक जाता है, ये होता है। थीसिस क्या होते हैं, आर्टिकल राइटिंग्स क्या होते हैं, इनका लिखने का तरीका क्या होता है, जिसमें आप MLA और APA देखेंगे। रिसर्च एथिक्स, जब आप रिसर्च करते हैं तो आप में एथिक्स क्या होना चाहिए, आप में क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये हो गया। फिर आता है कॉम्प्रीहेंशन, राइट, कॉम्प्रीहेंशन हम तो बचपन से करते आ रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ देगा, देंगे वो, और 5 क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर करना होगा, बट आता तो है लेकिन प्रैक्टिस करनी है, वो हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आपने अप्रोच रखना है ड्यूरिंग जब आप कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, राइट, तो ये हो जाता है थर्ड। फिर चलते हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फोर्थ है, जितना इजी ये यूनिट उतना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसमें से जो क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट, एक्सपीरियंस से बेस से बताऊंगी, यहाँ पर मेरा अप्रोच होगा कि आपने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, यस स्टूडेंट, तो कम्युनिकेशन जो होता है स्टूडेंट, इसमें आपको वर्ड्स मतलब कि आपका जो भी वर्ड्स होते हैं, राइट, उस पर कमांड होना चाहिए, उनका मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग से क्या चीज़ है, ओके ये है। सिर्फ कम्युनिकेशन देखने में बहुत ईजी होता है, लेकिन इससे सवाल करना, इसको सॉल्व करना इज वेरी डिफिकल्ट, ओके, तो कम्युनिकेशन का मीनिंग है, टाइप क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, राइट, वर्बल नॉन वर्बल क्या होता है, इंटरकल्चरल क्या होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होती है, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होती है, बैरियर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, जब दो लोग सेंडर और रिसीवर बात कर रहे होते हैं तो क्या क्या बैरियर्स होते हैं ताकि उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। मास कम्युनिकेशन और सोसाइटी और यहाँ पर क्लासरूम कम्युनिकेशन भी से क्वेश्चन आता है कि एक क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, और इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बैरियर हो गया, और आपको कमांड पता होना चाहिए, पैरा लैंग्वेज क्या होता है, राइट, ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर्मल को हम क्या बोलते हैं, क्या फॉर्मल में स्लो होता है या फास्ट कम्युनिकेशन होता है, जो इनफॉर्मल होता है उसको ग्रेपवाइन बोलते हैं, तो इसे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आपको देंगे और जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे ऐसे ही फिफ्थ आ जाता है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, इसमें आपको मैथ्स में ज़्यादा जो सवाल पूछते हैं वो प्रॉफिट से पूछते हैं, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उससे पूछ लेते हैं, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए रीजनिंग क्या होता है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछते हैं, लेटर हो गया, इसमें रीजनिंग भी है,
राइट, कोडिंग डिकोडिंग क्या हो गया, तो ये हो गया मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स, जैसे कि टाइम डिस्टेंस बताया मैंने, प्रपोर्शन परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, डिस्काउंट एवरेज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखिए। लॉजिकल रीजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत स्कोरिंग चैप्टर, ओके, और बहुत अच्छा है, लेकिन ये रीजनिंग वो वाला नहीं है, मैथ्स वाला जिसमें अभी हमने कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन वो वाला नहीं है स्टूडेंट, इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलत प्रिडिक्ट कर लेते हैं, वही रीजनिंग हो ना, इसमें रीजनिंग में अलग है, मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपकी होती है फैलेसी, क्या होता है, कोई कुछ बोल रहा है तो कौन सा फैलेसी अटेम्प्ट कर रहा है, राइट, ये होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ मैं आपको कि ऐसे नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिसको हम स्लिपरी स्लो फैलेसी के नाम से जानते हैं। बोलते नहीं, अगर मम्मी हमारी बचपन में पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो हमें कौन संभालेगा, तो ये हो गया स्लिपरी स्लो फैलेसी होती है। इंडियन लॉजिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेन डायग्राम्स भी होते हैं इसमें, वेन डायग्राम ये दूसरे टाइप्स का होता है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस होते हैं, सुनने में हम क्या समझ आ रहे हो, देखिए यहाँ पर मूड्स हो गया, फिगर हो गया, बहुत ट्रिक्स से मैं आपको समझाऊंगी, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी हो गई, राइट, ये सारे चीज़ हम करेंगे, प्रमाण्स क्या होते हैं ये आपको बहुत बहुत इजी वे से समझाऊंगी, राइट, और हमारा ये बैकग्राउंड भी नहीं होता है तो मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगी। फिर आता है डाटा इंटरप्रेशन, राइट, इसमें डी आई क्वेश्चंस आते हैं, डी आई से आपको एक चार्ट देंगे, चाहे वो ग्राफ हो, बार डायग्राम हो, चाहे या ग्राफ हो, उससे आपसे क्वेश्चंस देंगे, और जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं और आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे देख, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, राइट, ये है, तो मेनली बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट से आता है, ये कैलकुलेटिव बहुत होता है, तो इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, डेली आप एक करेंगे तब जाके आपको यहाँ पर होगा। फिर आईसीटी, आईसीटी बहुत सिंपल आता है, ये जो मैं आपको कराऊंगी वो आपने करना है। आईसीटी जैसे कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इससे मैं आपको कराऊंगी। जनरली देखा गया है कि एब्रिब्रेशन से बहुत जो क्वेश्चंस आते हैं, तो 500 से ज़्यादा एब्रिब्रेशन जो कि हम आपको अपने कोर्स में प्रोवाइड कराएंगे। बेसिक इंटरनेट, इंट्रानेट क्या होता है, ईमेल्स, मतलब बेसिकली आपको सारे टर्म्स पता होने चाहिए, तो ये सारा मैं आपको कवर कराऊंगी। हायर एजुकेशन, जो हमारा हायर एजुकेशन है, उसमें कौन कौन से आईसीटी होता है, आईसीटी और गवर्नेंस, गवर्नेंस अभी ये सिलेबस में है नहीं इतना, राइट, इसमें जैसे पॉलिटी का ज्यादा आ जाता था जो कि इतना अभी हटा दिया गया है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको हम बता देंगे। फिर आता है आपका यूनिट 9, पीपल एनवायरनमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, सस्टेनेबल मिलेनियम डेवलपमेंट, इसके बारे में पढ़ना है आपने, ओके, तो यहाँ पर जो पोल्यूशंस होता है, कौन कौन सी, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, सारे पोल्यूशंस देखनी है, और उससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, देखिए इश्यूज जैसे हो गया रीजनल, ग्लोबल, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, सारे, और इससे बीमारियां क्या होती है, बीमारी दे देते हैं और पूछते हैं कौन सा पोल्यूशन है इससे होता है, राइट, ये होता है। फिर नेचुरल एनर्जी होती है, सॉइल विल, हाँ, एनर्जी बहुत ज़्यादा, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से बहुत ज़्यादा पूछते हैं। कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको ट्रिक से कराऊंगी, सारे कन्वेंशन, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, सोलर अलायंस हो गई, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जो भी जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो हम करेंगे। फिर हमारा 10th जो होता है वो है हायर एजुकेशन, ओके, हायर एजुकेशन बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे प्री एजुकेशन सिस्टम से, पोस्ट एजुकेशन कैसा सिस्टम रहे, कितनी पॉलिसीज आए, आप जानते होंगे कि हमारी जो 3 पॉलिसी एजुकेशन, 1968 की पॉलिसी, 1986 की पॉलिसी, और अभी आई है 2020 की पॉलिसी, राइट, तो ये सारे पॉलिसी, पोस्ट, कोठारी कमीशन पॉलिसी थी, उससे पहले राधा कृष्णन कमेटी, ये सारे हम देखेंगे, या प्री इंडिपेंडेंट ब्रिटिश के टाइम पे कैसी एजुकेशन सिस्टम थी, ये इसमें हम पढ़ेंगे। फिर हम बहुत
बहुत सारी इंस्टीट्यूशन जैसे कि तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, वल्लभी हो गया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर जो है मॉडर्न एजुकेशन में क्या क्या चल रहा है वो पढ़ेंगे, वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में हम इसमें जानेंगे, राइट। और जो जो यहाँ पर जो 2020 की पॉलिसी है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं, उसको मैं डेप्थ में आपको पढ़ाऊँगी, राइट। ये होता है ओरिएंटल क्या होता है, कन्वेंशनल क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल। ओरिएंटल जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, कन्वेंशनल जब हम जो मार्क्स के बेस पे ज़्यादा डिपेंड है, नॉन कन्वेंशनल जो कि आजकल है जितनी ब्रॉड हो गई है, कुछ भी पढ़ेंगे उसका आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। जैसे कि एक एग्जांपल बनाती हूँ, कोई चाय टेस्ट करता है, उसको टेस्ट करता है, या वाइन टेस्ट करता है, तो उसमें भी उसका फीचर्स होता है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कैसा है, तो इस प्रकार से आपके इंस्टीट्यूशन में हायर एजुकेशन कितना है, एशियंट एजुकेशन सिस्टम क्या है, इसके बारे में आपने पढ़ना है। तो 10th के 10th यूनिट आपको टिप्स पे पढ़ाया जाएगा, बहुत मिनिमल चार्जेस हैं, आप हमारे कोर्सेज को ज़रूर बाय करें और अपनी जो HP सेट की जो तैयारी है उसको बूस्ट करें स्टूडेंट, बहुत कम समय रह गया है। अब ये सिलेबस बहुत है, ना ही आपका बैकग्राउंड होता है, तो आप जो पर्टिकुलर आप पेपर वन एंड पेपर टू दोनों खरीद सकते हैं, या पेपर वन या पेपर टू जो भी आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो भी कर सकते हैं। और पेपर वन तो आप किसी गाइडेंस के अंदर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं है, अप्रोच नहीं पता है किस किस प्रकार से आपने क्वेश्चंस करना है, राइट। तो इस प्रकार से हम आपको कराएंगे। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, राइट, कि ये हमें है पर्टिकुलर नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, डेमो वीडियोज ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी नए चैप्टर के साथ। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।